के सब के खेली कुंज कोटी कोटी काशी है, हर गोपिन के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दासा दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं कि हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए जो बट है ना, इसका नाम अक्षय बट है। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ पर आए थे। कहते ना ब्रजधाम को जो दर्शन कर ले उसको कहीं भी जाने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग भी यहीं पर आए थे और जो सरस्वती और गंगा भी यहाँ पर विद्यमान है। अभी जो मंदिर में दर्शन किया है, मंदिर में अब सालग्राम देखा ना, एक समय नंद बाबा जी इनके घर में सालग्राम जी पूजा करते थे नंद बाबा जी, और उनने नंद बाबा जी सालग्राम को उनने पंचामृत से अभिषेक करवाया और अभिषेक करा के अपना सिंहासन पर रखा। रख करके उनको जैसे हम लड्डू भोग लगाते ना, मिश्री लड्डू भोग वो लगाते हैं, फिर भोग लगा कर क्या करते हो, मंत्र जब करते ना उसको, फिर गोपाल मंत्र जब करते हैं, गोपाल मंत्र जब करते हुए फिर हम लोगों ने क्या करते, काम गायत्री जब करते हैं, काम गायत्री जब करते ना। अभी नंद बाबा बैठ कर काम गायत्री जब कर रहे थे, जब कर रहे थे इतने में कृष्ण पास में थे आए और उन्होंने ये जो सालोग्राम को उन्होंने मुंह में छुपा दिया। नंद बाबा जब आंख खोले देखे, भैया अभी अभी तो मैंने सालग्राम को मैंने अभिषेक करके सिंहासन पर धराई, सालग्राम फिर कहाँ चली गई है, ये सालग्राम कहाँ चली गई। इतने में नंद बाबा बोले यही तो थे, सालग्राम गए का। फिर देखा कृष्ण का जब मुंह है ना फुला हुआ, बोले इसको मुंह फुला हुआ कैसे, उन्होंने अंगुल डाल कर देखा ये जो सालग्राम कहाँ पर, कृष्ण की मुंह से सालग्राम। फिर नंद बाबा ने निकाले, बोले नारायण ने तो मेरे लाला को बचा दिया, अगर घटक लेगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन कृष्ण क्या दिखाया, कृष्ण ये दिखाया, तो बोले पिताजी आप जिस सालग्राम को पूजा करते हो वो सालग्राम को नारायण है ना, लेकिन ये जितने सब नारायण किसको अंदर है, मेरे अंदर में ही है कृष्ण की। ये बलदेव प्रभु मूल संकर्षण, फिर संकर्षण, फिर कारण दुसाई गर्भोदशाई खिरब दिशाई, यहाँ से जितने विष्णु तत्व प्रकट होते हैं, इसलिए सबका मूल कारण कौन है। इसलिए कहते ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण कौन है, कहते श्री कृष्ण चंद्र, समस्त कारणों का कारण श्री कृष्ण चंद्र है। इसलिए ये जो बट है इसको कहते अक्षय, अक्षय बट है भगवान की लीला अक्षय है, नित्य शाश्वत है, इसलिए इसका नाम अक्षय बट है। कहते यहीं पर और दो तीन लीला यहीं पर हुई, कृष्ण यहीं पर उनने प्रलम्बासुर को भी यहीं पर बंद किया था, ये प्रलम्बासुर का बद का स्थान यहीं पर है। लेकिन हम जो भांडरी बट आते हैं ना वहीं से, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाते हैं गाड़ियां, इसलिए वहीं से ही हमें इशारा करके बोल देते, देखो यहाँ पर कृष्ण ने प्रलम्बासुर को बध किया था। लेकिन बध किया कहाँ पर, उनने यहीं पर बध किया। बोले कैसे बध किया, बोले एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में बलदेव प्रभु के साथ में खेल कूद कर रहे थे, करते करते कृष्ण का एक पार्टी बलदेव बन गया और श्री बलदेव प्रभु का भी एक पार्टी बन गया। बोले देखो जो पार्टी हारेगा ना वो दूसरे जो जीतेगा है, जो जीतेगा उसको कंधे पर लेकर के यहाँ से वहां तक ले जाना पड़ेगा है, यहाँ से वहां तक ले जाना पड़ेगा, स्थिर कर दिया। अभी खेलते खेलते हार गया, किसका पार्टी हार गया, हार गया श्री कृष्ण का पार्टी हार गया। हार गया तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इनका पार्टी को कंधे पर लेना पड़ेगा। अभी इसने ये प्रलम्बासुर ने क्या किया, उसने कृष्ण का पक्ष ले लिया और उन्होंने देखा, भैया हमने सुना ये दो भाई तो बड़े बलवान हैं, हैं कृष्ण ही अकेला ही उन्होंने किसको मार डाले, कितने कितने दैत्यों को, उतना तृणावर्त और शकटासुर अकेले ही मार डाले, अगर ये दोनों भैया मिल जाएगी पता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए उनको एक एक कर कोशिश करूंगा मारने के लिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने बलदेव प्रभु को उन्होंने कंधे पर ले लिया, ले करके उनका जो एक निर्दिष्ट स्थान था वो निर्दिष्ट स्थान में नहीं ले करके उन्होंने क्या किया, पास बोले अकेले कहीं ले जाऊंगा, पास इनको गला दबा दूंगा। लेकिन बलदेव प्रभु ने जब देखा ये तो और कहीं हमको ले जा रहा है, और धीरे 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 परमासुर ने विशाल रूप धारण किया। जब विशाल रूप धारण किया इतने में बलदेव प्रभु क्या किया, हे अपना मुष्टिक उठाए और मारे उसको सर पर, मार करके उन्होंने प्रलम्बासुर को उन्होंने खत्म कर दिया है। इसलिए कहते जो प्रलम्बासुर का जो बद का स्थान है एक्चुअली यहीं पर उन्होंने श्री ये उन्होंने श्री प्रलम्बासुर को उन्होंने यहीं पर उन्होंने बद किया था। कहते यहीं पर ही कृष्ण के साथ में कहते राधा रानी का मल्ल युद्ध भी यहीं पर हुई है, मल्ल युद्ध भी हुई,
जैसे कृष्ण कैसे सखा कैसे कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे थे, इतने में ललिता सखी आई आकर बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, बोले मल्ल युद्ध लड़ रहे। बोले गैया को पीछे घूमने वाले हैं, मल्ल युद्ध कौन करता है, बड़े कोई व्यक्ति मल्ल युद्ध करते, तुम तो गैया को पीछे डोलने वाले गैया चरने वाले तुम मल्ल युद्ध क्या जानते हो। इतने में सखाओं ने कहा क्या बोलते हो, तुमको पता नहीं हमारे जो मल्ल में जो मूल जो लीडर कृष्ण है, हैं कृष्ण। बोले ललिता बोले तुमको पता है हमारे लीडर कौन, बोले श्री राधा रानी। बोले हो जाए दोनों का लीडर में हो जाए, अभी पता चल जाएगा कौन जीतता और कौन हारता है। इतने में राधा रानी भी उन्होंने क्या किया, अच्छे तरह से कपड़े को अपना कमर में कस करके, और श्री कृष्ण भी अपना कमर में कपड़े को अच्छे तरह से कस लिया। कस करके वो दो कथा आती है, गुरुदेव दो कथा सुनाती है सुनाते हैं। इतने में कृष्ण अभी मैदान में महफिल में कृष्ण खड़े हैं। जब कृष्ण को पता चला राधा रानी को साथ में मल्ल युद्ध होगी, कृष्ण तो खड़े हुए थे सुनते ही। इतने में अभी सखा सखाओं में ये तर्क वितर्क हो रहा था, जब सुना राधा रानी को साथ में सुनते ही तो कृष्ण कांपने लग गया। इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया तू हमारे लीडर, अगर तू हार गया तो हमारे नक्कन कट जाएगी, अगर तू जीत गया तो कम से कम हम तो जीतेंगे। अभी तो उनका जो लीडर वो आए नहीं, उनका नाम सुनते ही पता नहीं तू कांपने लग गए हैं। बोले ठीक से खड़े रहो। बोले पता नहीं राधा रानी का नाम सुनते ही मेरे अंदर में हाँ हड़कंप बस जाती, पता नहीं मेरे क्या हो रहा है। ठीक से खड़े रहो, अभी राधा रानी आई नहीं, ठीक से एकदम अच्छे तरह से खड़े रहो। कहते राधा रानी कुंज में थी, जब राधा रानी कुंज से निकली ना और उनने एक आंखों की इशारा से उन्होंने कृष्ण को दर्शन किया, कृष्ण को दर्शन करे थे ना, कृष्ण तो वहीं पर गिर पड़े। अभी राधा रानी अभी निकली नहीं और कृष्ण वहीं पर ही गिर पड़े। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं, बोले बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम। इसलिए राधा रानी की एक इशारा पर क्या हो जाता है, उनकी कृष्ण की बंसुरी गिर जाती है और कृष्ण का मयूर मुकुट गिर जाता है, कृष्ण का पीताम्बर कृष्ण स्वयं कभी गिर जाते हैं। कहते गुरुदेव ये कथा सुनाते हैं और जितने सबके सब राधा रानी की सखिया थी ना, जोर से ताली हो जाए सबके सब। आपको ताली नहीं, अब तो कृष्ण भक्ति सबके सब ताली बजाए। कभी गुरुदेव कभी ये कथा सुनाते हैं, गुरुदेव दूसरी कथा सुनाते हैं, कृष्ण और राधा रानी कैसे दोनों ही कैसे मैदान में खड़े होकर की दोनों में कुश्ती लड़ कुश्ती हुई। कुश्ती करते 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 राधा रानी ऐसे पछाड़े कृष्ण को, ए कृष्ण तो एकदम गिर पड़े, राधा रानी तो छाती के ऊपर बैठ गई। जब बैठ गई इतने में कृष्ण का जितने सखा लोग थे ना, जोर से ताली बजाए, तुम लोग कृष्ण का सखा हो, ए गड़बड़ी कर रहे हाँ हम तो सिर्फ किशोरी जी की पखिया लेने वाले हैं। इसलिए कृष्ण की सखा लोग जोर से ताली बजाए, चेताली हमारे कन्हैया ने जीत गया हाँ हमारे हाँ नहीं इतने राधा उन्होंने कृष्ण को राधा रानी छाती के ऊपर बैठे हुए। इतने में कृष्ण ने कहा भैया हाँ भैया तुम ताली क्यों बजा रहे हो, ताली क्यों बजा रहे हो, सखियों को पूछे पहले तो सखियों ने ताली बजाया, सही ताली बजाया तुम लोगों ने। इसलिए उन्होंने इसलिए इतने में कृष्ण बोले भैया क्यों क्या चक्कर है, तुमको ताली क्यों बजा, बोले तुमने गिर गया ना हाँ तू गिर गया तेरे को कब कब। अभी जैसे उत्तम प्रभु और हमारे किसमें रोहिणी भूमि में मल्ल युद्ध हो रहा था, पहले तो उत्तम प्रभु पछाड़ दिया उत्तम पछाड़ दिया रोहिणी प्रभु को, बाद में रोहिणी प्रभु भी पछाड़ दिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी तो कृष्ण ऐसे पड़े हुए है एकदम चीत होकर, पीठ अगर लग जाए ना वो हार जाता है, बोले चीत होकर पड़े हुए वो हार गए। इतने में कृष्ण बोले कभी कभी हम कहते ना तेरे नाक को नीचा कर देंगे, तुम क्या समझते हो हैं। इतने में कृष्ण बोले देखो नाक किसको नीचा, देखो राधा रानी ऐसे पड़ी है ना, कृष्ण का नाच ऊंचा है और कृष्ण ऊपर राधा रानी की, राधा रानी का नाक नीचे कृष्ण का नाच ऊंचा है हैं। बोले नाक किसकी ऊंचा देखो, नाक मेरी ऊंचा राधा रानी की नाच नीचिया है, इसलिए मैंने नहीं जीता, कौन जीत गए, बोले श्री कृष्ण जीत गए। बोले कृष्ण कहने या लाल की। इतने में कृष्ण की जितने सखा लोग थे जोर से ताली हो जाए, कृष्ण के सखा लोग हम तो राधा। इसलिए कहते यही पर उन्होंने जो जो मल्ल युद्ध है, हाँ मल्ल युद्ध जो कृष्ण है ना, भक्तों को जीता करके कृष्ण खुश होते, भक्तों को परास्त करके नहीं, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान की निवास, भक्तों का खुश में ही कृष्ण खुश होते हैं। इसलिए राधा रानी को खुश में ही कृष्ण खुश होते हैं। इसलिए ये स्थान
अत्यंत पवित्र स्थान है। हम लोग यहाँ पर परिक्रमा करते करते यहाँ पर आए हैं, कृष्ण की यहाँ पर, तो कृष्ण कितने कितने लीला की, आगे जाएंगे तो वहां पर है तपोभूमि है, है तपोभूमि है। भाई गांव यहाँ से कितना दूर, भाई गांव थोड़ा दूर है, अक्षय बैठे है, अक्षय बैठे है, इसलिए नंद घाट वही तो भाई गांव वही है, वही भाई गांव कितना दूर है यहाँ से, 10-12 किलोमीटर है। हम लोग चीर घाट जाएंगे, रास्ता में क्या पड़ेगा, उससे आगे बढ़ेगा, इसलिए आगे जो स्थान है इसका नाम क्या है, तपोवन, जहाँ पर ब्रज गोपियां, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, हैं, जहाँ पर तपस्या करके श्रुतचरी मुनिचरी और वेदकारी चाय देव कन्या, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करके और उन लोगों ने कृष्ण का अपना पति रूप में प्राप्त किया है, इसलिए उस स्थान का नाम भी तपोभूमि है। इसलिए हम गुरु जी को साथ में, जब गुरु जी थे ना बहुत पहले, गुरुदेव हम लोगों के सब स्थान में लेकर गुरुदेव आए थे, अभी फिर आप लोगों को साथ में आए। बोले श्री तपोभूमि की, बोले श्री अक्षय बैठ की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।